हेलो, माय नेम इज़ रणवीर सिंह दलाल और आज इस वीडियो में बात करते हैं स्नैपशॉट क्लास 11th इंग्लिश कोर के लेसन मदर्स डे, जो कि लिखा है जेबी प्रिस्टली ने। तो ये जो है एक नाटक है और बड़ा हिलेरियस ड्राइंग रूम कॉमेडी इसको कह सकते हैं, बड़ा हंसाने वाला और कॉमिकल है। और बड़े रोचक अंदाज में इसमें जो महिलाएं हैं हमारे घरों में, माताएं हैं, मदर्स हैं, वो किस कदर जो है ओवरवर्क्ड हैं, तो उनकी एक समस्या को बड़े रोचक अंदाज में इस नाटक के माध्यम से उठाया गया है। एक गंभीर समस्या एक तरह से ये है महिलाओं के साथ कि किस कदर उनके काम की, जो वो घर में काम करती हैं, उतनी कदर नहीं होती है। तो जानते हैं कि किस किस्म की है ये इस नाटक में की जो कहानी है। बेशक रोचक अंदाज से नाटक को पेश किया गया है, लेकिन इससे इसकी गंभीरता और इसका महत्व और जो ये मुद्दे इसमें इश्यूज नाटक उठाता है, उसमें कोई डाइल्यूशन नहीं आता, उसमें कोई कमी नहीं आती है उसकी इम्पोर्टेंस में, जो जो मसले, जो मुद्दे, इश्यूज इसमें उठाए गए। प्ले जो है वो एनी पियर्सन, मिसेज एनी पियर्सन के इर्द गिर्द घूमता है। एक एनी पियर्सन महिला है, डिवोटेड वाइफ है, डोटिंग मदर है, मतलब बहुत समर्पित है, बहुत प्यार करती हैं अपने बच्चों को। डॉरिस और साइरिल, डॉरिस एक लड़की का नाम है उनकी बेटी और साइरिल उनका बेटा, तो प्लेजेंट हैं स्वभाव से और बहुत वर्क करती हैं घर में, लेकिन चिंतित भी रहती हैं, वरिड लुकिंग। 40s में उनकी उम्र जो है वो 40 के पार है। उनकी एक पड़ोसन है मिसेस फिटजेराल्ड, जो कि एक फॉर्चून टेलर हैं। दोनों की अक्सर बातचीत होती है और मिसेस फिटजेराल्ड अक्सर देखती हैं मिसेस पियर्सन को किस कदर घर में मेहनत करते हुए। और दुख की बात यह है कि उनके जो परिवार के जो सदस्य हैं, उनके हस्बैंड और उनके बच्चे, वो बहुत ज़्यादा उनके काम की कद्र भी नहीं करते हैं। तो ये देखकर मिसेस फिटजेराल्ड जो हैं बड़ी आहत हैं, पड़ोसन हैं, और वो कहती हैं उनको कई बार कि भाई आप थोड़ा सा अपने बदलाव, अपने व्यवहार में थोड़ी सख्ती लाएं और बदलाव लेके आएँ, ताकि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट दें आपकी मेहनत और आपके काम के लिए। अब तो अभी तो जैसी हालत है उसमें मिसेस पियर्सन जो हैं, उनका स्टेटस तो एक अनपेड डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह हो गया है, एक नौकर, घरेलू नौकर, जिन्हें बहुत कुछ पे भी नहीं किया जाता। सारे ही घर के काम डोमेस्टिक चुआस उन्हें करने होते हैं, बिना किसी तरह का ग्रेटिट्यूड बदले में मिले, बिना किसी तरह का थैंक्स उनको कोई कोई नहीं करता है। तो थैंकलेस हैं वो जो घर के मेंबर्स हैं, उनको उनको जो है उनके काम को इतना महत्व है, मिसेस पियर्सन के काम को इतना महत्व नहीं दिया जाता। और अक्सर तो कई बार ऐसा लगता है जैसे कि उनके परिवार के सदस्य, उनके बेटे और उनकी बेटी जो है उनको एक नौकर की तरह जो है काम बताते हैं। मिसेस फिट्जराल्ड जो हैं वो का मानना है कि जो हस्बैंड हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, उन्हें मदर्स का सम्मान करना चाहिए और उन्हें ऐसे आदेश नहीं दे सकते, वो काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस बार बार नहीं दे सकते और डर्ट की ट्रीट नहीं कर सकते वो मदर्स को। मिसेस पियर्सन जो है ये पूरा ही इल ट्रीटमेंट इंडियोर करती हैं, सहन करती हैं, अपने परिवार के सदस्यों को बहुत चाहती हैं और इतनी करेज, इतनी हिम्मत नहीं जता पाती कि वो अपने अधिकारों और अपने आप को असर्ट कर सकें, अपने अपने अपनी अपने डिज़ायर्स, अपनी चाहतों को वो बता सकें। और गुस्सा तो करने की बात ही नहीं है, उनके स्वभाव में ही नहीं है, बहुत चाहती हैं अपने हस्बैंड और बच्चों को। हाँ, लेकिन कई बार कोशिश करती हैं कि वो बात बैठ के बात करें, सुलझा लें मसलों को कहें, लेकिन उतना उतना उनकी पर्सनैलिटी में असर्टिव होना है नहीं, तो उतना कह नहीं पाती, कर नहीं पाती। अब तो बस उन्हें जल्दी है कि वो चाय तैयार करें, क्योंकि उनके हस्बैंड, उनके बच्चे जो हैं वो आने वाले हैं। और मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं कि यार कभी तो ऐसे छोड़ो, करने दो अपने आप उनको अपना काम, अपने आप अपना ख्याल रखने दो, छोड़ो आज मत बनाओ चाय, ऐसा कुछ। खैर, मिसेस पियर्सन जो है बहुत सॉफ्ट हैं अपने परिवार के प्रति। और मिसेस फिट्जराल्ड एक 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 तरीका बताती हैं इस समस्या के हल के लिए। वो कहती हैं कि देखो, मैं जब ईस्ट में थी, इंडिया जैसे कंट्री में, तो वहाँ मैंने मैजिक सीखा है, और वो मैजिक के थ्रू मैं पर्सनालिटीज़ को इंटरचेंज कर सकती हूँ। तो देखो, तुम
हम ऐसे करके देखते हैं, हम एक दूसरे आपस में पर्सनालिटीज़ को इंटरचेंज कर लेते हैं और फिर देखना मैं तुम्हारे परिवार के सदस्यों को जो तुम नहीं कर पाती मैं करके दिखाती हूँ, कैसे डील करती हूँ, उनको सीधे रास्ते पर ले आती हूँ, तो एक बार करके देखो। तो ऐसे मना लेती हैं उनको और इस तरह से जो है वो पर्सनालिटी चेंज हो जाती है दोनों की। और इस पर्सनालिटी चेंज के बाद मिसेस पियर्सन जो हैं वो मिसेस फिट्ज़जेराल्ड बन जाती हैं और मिसेस फिट्ज़जेराल्ड जो कि बोल्ड हैं, इम्प्रेसिव हैं, वो मिसेस पियर्सन के शरीर में आ जाती हैं एक तरह से, इस तरह से। तो अब जो जो पियर्सन, मिसेस पियर्सन जो नज़र आ रही हैं वो एक्चुअल में फिट्ज़जेराल्ड हैं, बोल्ड और डोमिनेटिंग, और मिसेस फिट्ज़जेराल्ड जो हैं वो बन गई हैं नर्वस और फ्लटरिंग, लैकिंग इन कॉन्फिडेंस किसी तरह। तो खैर अब मिसेस पियर्सन जो कि एक्चुअली मिसेस फिट्ज़जेराल्ड है वो संभालती हैं, वो देखती हैं, वो डील करती हैं अपने परिवार, जो मिसेस पियर्सन के परिवार के सदस्य हैं वो एक एक करके आते हैं। तो किस तरह से बात होती है, डॉरिस पियर्सन एक सुंदर लड़की है अपनी अर्ली ट्वेंटीज़ में और वो पहले घर में आती है और बड़ा तीखा अंदाज है उनका ज़िंदगी में, जैसे आजकल आधुनिक लड़के लड़कियाँ कूल अंदाज है, और स्पॉइल्ड बिगड़ी हुई सी लड़की है और अपनी माँ को कहती हैं कि भाई मेरी ड्रेस तैयार है या नहीं मम्मी, येलो सिल्क ड्रेस। अब मिसेस पियर्सन क्योंकि अब बदला हुआ रूप है तो वो स्मोकिंग करती रहती हैं, जवाब ही नहीं देती इस बात का। डॉरिस एकदम से हैरान हो जाती है, धक्का लगता है, शॉक्ड, एस्टाउंडेड। हालांकि वो कहती हैं कि भाई जब चाय के बारे में पूछती हैं तो कि क्या हम किचन में चाय लेंगे क्या, आज यहाँ नहीं है तो वहाँ। तो मिसेस पियर्सन ने कहा कि भाई जहाँ तेरा मन करे वहाँ पी ले चाय, बना ले। डॉरिस को बड़ा गुस्सा आता है और कहती है कि अच्छा चाय तैयार ही नहीं है। मिसेस पियर्सन कहती हैं कि भाई उसने तो चाय पी ली है खुद तो मैंने, और तुम्हें अगर चाहिए तो तुम बना लो। वो हैरान कर देती हैं, माँ हैरान कर देती है बेटी को कि बाद में मेरा प्लान है, चाय तो मैंने पी ली, इसके बाद मैं क्लेरेंडन एक जो है रेस्टोरेंट है तो वहाँ जाके मैं अपना भरपेट भोजन भी करूँगी, बाहर जाऊँगी। डॉरिस जो है वो गुस्से से कहती हैं कि भाई क्या प्रेस कर दी मेरी ड्रेस, सिल्क ड्रेस, येलो सिल्क ड्रेस। मिसेस पियर्सन कहती हैं कि भाई वो दुगना समय जो है वो घर में लगाती हैं, जितना तुम काम करती हो बेटी को कहती हैं उससे दुगना समय मैं लगाती हूँ घर के काम में, और मुझे कोई वेजेस, कोई मजदूरी इसके लिए कुछ मिलता भी नहीं है, ना थैंक्स मिलता है। और जो है साथ ही वो बताती हैं कि अच्छा अब तुम बाहर जाओगी तो ड्रेस तो प्रेस उन्होंने करी नहीं थी। साथ ही वो कमेंट करती हैं अच्छा कहाँ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हो, चार्लिस फेंस, वो जो है लंबे दांत वाला, बाहर निकले हुए दांत वाला, बक टूथ्ड किस्म का जो लड़का है, अरे मैं तुम्हारी जगह होती तो बिल्कुल भी जो है उसको, उससे मैं प्यार ना करती, वो कुछ किसी बेहतर सुंदर दिखने वाले लड़के को ढूंढती हूँ। तो ये बात माँ कहती है बेटी को, और बेटी जो है बहुत गुस्से में, बहुत चिढ़ जाती हैं, बहुत दुखी होती हैं। और अभी लड़का जो है आता है साइरिल पियर्सन, वो भी बिगड़ा हुआ है, स्पॉइल्ड है, स्पॉइल्ड ब्रैट, बिगड़ा हुआ लड़का, छोकरा है। और वो कहता है भाई चाय के लिए, जैसे कि बेटी ने पूछा ऐसे ही पूरा, क्योंकि रात उनकी बिजी होने वाली है उस रात, और अपनी माँ को कहता है कि भाई जो सामान मैंने कहा था, आपने प्रॉमिस किया था, वो सब सामान मेरा जो आज के लिए मैंने, मेरे को ज़रूरत पड़ेगी रात को पार्टी में या कहीं भी, तो क्या वो आपने निकाल दिया है क्या मेरा सामान। तो उसने कहा कि भाई देखो, या एक मेंडिंग का कुछ काम था, कुछ उनके कपड़ों की रिपेयर वगैरह, तो वो कर दिया है क्या। तो माँ ने कहा कि भाई मुझे पसंद नहीं है इस तरह का काम। तो बेटा कहता है कि माँ कैसे बात कर रहे हो, किस तरह से तो ऑब्जेक्ट करता है, एतराज़ करता है माँ के इस अंदाज़ पर। और मिसेस पियर्सन उसको दिखाती हैं थोड़ा और गुस्से में बोल के, अपना गुस्सा जाहिर करती हैं और बताती हैं कि तुम तो सब ऐसे ही बात करते हो, मेरे ऊपर तुम एतराज़ कर रहे हो, उंगली उठा रहे हो, तुम तो सब ऐसे ही बदतमीजी से बात करते हो। कुछ अगर घर में तुम्हारा मन नहीं है करने का तो तुम कोई काम नहीं करते हो, जो तुम्हें पसंद नहीं है वो घर में तो करते नहीं, और बाहर भी अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं है तो तुम अपनी यूनियन की हेल्प से उस काम को नहीं करते हो, रुकवा लेते हो, प्रोटेस्ट करते हो। अब मैंने भी मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया, मैं भी आंदोलन पे उतर आई हूँ,
अच्छा ये बताओ, कुछ स्टाउट कुछ बियर वगैरह बची है क्या? वो किचन में जाती हैं, एक बॉटल लेके आती हैं क्योंकि वो पीना चाहती हैं बियर। अब ये तो और भी हैरान कर देने वाली बात थी, सायरिल के लिए तो ये बड़ा ही शौक था, बड़ा धक्का था। दोनों बहन भाई जो हैं वो त्रस्त नज़र आते हैं, परेशान नज़र आते हैं, दोनों इकट्ठे होके बात करते हैं, अलग हट के, हडल टुगेदर, मिलके जो है इस तरह से, और विस्पर धीरे धीरे बात करते हैं कि माँ को क्या हो गया। डोरिस कहती है कि उसे तो यकीन नहीं हो रहा कि माँ ऐसा कर सकती है, स्मोकिंग कर रही थी जब मैं आई तब, और ताश खेल रही, प्लेइंग कार्ड्स। साइरिल पूछता है कि माँ से कि माँ क्या दिक्कत है, क्यों इतना बेचैन, क्या क्या कुछ तबीयत ठीक नहीं है क्या? और उन्होंने कहा कि नहीं, कोई तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत तो ठीक है, माँ ने बताया कि सब ठीक है, बस उसका वो आज से जो है वो एक एक बदला हुआ रूप है उनका। डॉरिस ऑब्जर्व करती हैं कि बिल्कुल माँ बदल गई हैं। अपने भाई को बताती हैं कि कैसे, भाई माँ ने तो आज रुलाया मेरे को बहुत, और सब कुछ जो है, और रुलाने से तो ज़्यादा जो कुछ कहा वो तो कहा, लेकिन जिस अंदाज में कहा, जिस अंदाज में मेरे को देखा, जिस नफरत से, जिस गुस्से से, वैसे तो कभी माँ ऐसा नहीं करती थी। डोरिस सोचती हैं कि उनको, डोरिस को लगता है कि शायद कोई कोई कंकशन, कोई गिर गई हो कहीं, सिर में चोट लगी हो, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। भाई कहता है कि तो लगता है कि माँ क्रेजी हो गई हैं, थोड़ी सी दिमाग सरक गया है उनका, पागल हो गई हैं थोड़ी सी। अब मिसेस पियर्सन जो है वापस आती हैं और बच्चों के पास उनके नज़दीक ही बैठ जाती हैं, और वो जो है अपनी स्टाउट बियर जो है वो पीने लगती है, ग्लास उन्होंने आधा भरा हुआ है। और वो दोनों सायरिल और डॉरिस वो रोकने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अपनी हंसी जो वो खिलखिला रहे थे, खिसिया आ रहे थे, माँ को इस रूप में देख के उन्हें हंसी भी आ रही थी, तो अपनी आवाज़ को कम दबाने की कोशिश करते हैं। मिसेस पियर्सन भी उन्हें गुस्से से देखती हैं, नफ़रत से देखती हैं, और कहती हैं कि यार अपनी उम्र के हिसाब से बिहेव करना सीखो, है ना, कि बड़े हो गए हो तुम, ये कोई तरीका होता है क्या इस तरह से? और उन्हें कुछ भी फनी नहीं लगता, कुछ भी वो उनके अंदाज से बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होती हैं। डॉरिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं माँ को इस हालत में देखकर। वो जानना चाहती है कि क्या उन्होंने किया है, क्या गलती हो गई हमारे से। तो माँ कहती है कि यही तो दिक्कत ही यही है कि तुम तो कुछ करते ही नहीं हो। जब बेटी जानना चाहती है कि हमने किया क्या है, तो माँ कहती है बड़े कटाक्ष के अंदाज में, सेटायरिकल अंदाज में कमेंट करती है कि तुम तो, समस्या ये है कि तुम तो कुछ करते ही नहीं हो। आते हो, जो कुछ चाहिए अपना ज़रूरत पूरी होती है, बाहर चले जाते हो, और कहीं जाने को जगह नहीं मिलती है, थक हार के मज़े लेके फिर वापस आ जाते हो जब कहीं और जाने के लिए जगह नहीं बच, कहीं और जाने की ऑप्शन नहीं बचती है। तो इस तरह की बात होती है। सायरिल जो है वो गुस्से से उनको बताते हैं कि चलो तुम खाना नहीं, अगर हमारे को दे रही तो हम खा लेते हैं। तो माँ ने कहा यह शौक से खाओ जैसे मर्जी। और सायरिल और डॉरिस कहते हैं कि वो पूरा दिन काम करते हैं और ये ट्रीटमेंट इस तरह से पेश आ रही है। आप अपनी माँ को अपना गुस्सा बताते हैं तो मिसेस पियर्सन कहती हैं भाई मैंने भी अपना समय दिया है, 8 घंटे मेरे पूरे हो गए अपना, और अब मैं अब से तो हफ्ते में 2 दिन जैसे तुम्हारी छुट्टी होती है, अब 40 आवर्स करूँगी काम बस, और 2 दिन मेरा भी वीकेंड में ऑफ रहेगा। तो इस तरह से जो है वो अपनी बात कहती हैं। अब एंट्री होती है तो भाई बहन को तो रास्ते पे लाई वो काफ़ी हद तक। अब एंट्री होती है उनके पति जॉर्ज पियर्सन की, जो कि थोड़े सीरियस नज़र आते हैं, घमंडी से नज़र आते हैं, सेल्फ इम्पॉर्टेंट और पॉम्पस, मोटे भी हैं, और लगभग 50 साल के करीब उनकी उम्र है। वो देखते हैं बेटी को कि वो, उसके आंसू आए हुए हैं, रो रही है वो, और फिर उसकी पत्नी जो है वो बियर पी रही है। तो हैरान एकदम से कि भाई ये क्या हो गया, बिवल्डर्ड, बिल्कुल बिल्कुल हैरान जो है, सरप्राइज हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं इस तरह के बिहेवियर अपनी पत्नी का देखकर। और वो कहते हैं कि अच्छा देखो चाय आज मेरे लिए नहीं बनाना, जो क्लब है ना, क्लब में जाऊंगा तो वहाँ जो है स्नूकर का मैच है, और थोड़ा खाना पीना भी हो जाएगा। तो मिसेस पियर्सन ने कहा कि अच्छा ठीक है, चाय तो बनाई नहीं है। तो हस्बैंड इस बात से गुस्सा हो जाते हैं कि अच्छा चाय बनाई नहीं है। तो पत्नी कहती है अरे ये कैसी बात हुई, ये कैसा गुस्सा, जो चाय तुम्हें पीनी ही नहीं थी और वो नहीं बनी है तो उस पर गुस्सा, ये क्या बात है? तो इस तरह से जो है पियर्सन अपने पति को रास्ते पे लाने की कोशिश करती हैं, और कहती हैं आगे कि तुम क्या हो, तुम क्या है, तुम्हारे पास क्या औकात है तुम्हारी, तुम्हारे तो मज़े लेते हैं, तुम क्लब में जाते हो तो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी चुगली करते हैं, चिढ़ाते हैं लोग, तुम्हें तो पोम्पी ओम्पी पियर्सन कह के
मोटे हो ना तुम, तो तुम्हारे तो ऐसे मजाक उड़ाया जाता है। स्लो हो तुम तो मतलब सुस्त हो, मोटे हो। जॉर्ज बिल्कुल हॉरीफाइड हो जाते हैं पत्नी के इस बिहेवियर, इस अंदाज से। और अब जो है ये भी पत्नी कहती हैं, पियर्सन कहती हैं कि इतना समय क्यों बिताते हो उसमें, क्लब वगैरह में जाते हो, क्या मिलता है तुम्हें? अपनी पत्नी को इतना तुम नहीं चाहते, उन्हें छोड़ जाते हो घर और निकल लेते हो, ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हो जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। जॉर्ज तो हैरान, धक्का लगा, डेज्ड बिल्कुल, और कहता है साइरिल को कि भाई क्या हुआ, ये क्या हो गया तुम्हारी मदर को? तो साइरिल भी जो है वो कंफर्म करते हैं कि हाँ, हमारे साथ भी ऐसा ही बर्ताव माँ ने किया है। तो इससे तो हस्बैंड को बहुत धक्का लगता है। साइरिल अब अपनी माँ को कहते हैं कि देखो, ये अच्छा नहीं है मदर, इस तरह से ये फेयर नहीं है, इस तरह से हमारी फीलिंग्स को और हमारे पिता की फीलिंग्स को हर्ट करना। मिसेस पियर्सन कहती हैं कि नहीं, अच्छा होता है कई बार ऐसे हर्ट करता करना, जो है फीलिंग्स का हर्ट होना ज़रूरी भी है, तभी तुम रास्ते पे आओगे। और सच्चाई अगर है तो वो तो किसी को हर्ट करनी नहीं चाहिए। अगर मैं सच हूँ, सही हूँ, तो वो ज़्यादा समय तक हर्ट नहीं करती। और अगर वो क्लब ना जाएं इतना ज़्यादा तो लोग, अच्छा है, मैं क्या गलत कह रही हूँ, क्लब ना जाएं लोग तो लोग उनका इतना मजाक नहीं उड़ाएंगे जितना उड़ाते हैं। साइरिल को थोड़ा डाउट होता है इस बात पे। खैर, मदर जो है आगे कहती हैं कि उसे कुछ पता ही नहीं है, बेटे को कहते हैं, वो बहुत समय जो है वो अपने हाउंड रेसेस पे, जो डॉग्स रेसेस पे लगाता है, अपना पैसा भी खर्च करता है, समय और पैसा, और ट्रैक्स वगैरह, डर्ट ट्रैक्स, वहाँ इधर उधर जाता है, घूमता है, आइस शोज़ को देखता है। तो वो एक तरह से अपने आप को बर्बाद, अपने आप को जो है गलत रास्ते पे, अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहा है। तो इस तरह से वो बेटे को समझाती हैं, गुस्सा भी दिखाती हैं। अब मिसेस फिट्जराल, इतना सब हो गया तो मिसेस फिट्जराल आ जाती हैं दरवाजे पे। फिट्जराल जो कि असल में मिसेस पियर्सन है, वो बहुत बेचैन हो जाती हैं कि हमारे परिवार वालों का पता नहीं क्या हाल बनाया होगा। उस लेडी ने, सख्त डोमिनेटिंग और बोल्ड किस्म की लेडी, तो आ जाती हैं जल्दी बेचैनों के हाल देखने के लिए। साइरिल अब कहते हैं, साइरिल तो समझ रहा है पड़ोसन है और आ गई हमारे मामलों में दखल देने, तो सिली ओल्ड बैग, बेवकूफ़ बूढ़ी औरत, ऐसा कुछ कह देते हैं। तो मिसेस पियर्सन जो है वो कहती हैं, थोड़ा थोड़ा बिहेव करो, थोड़ा ठीक तरीके से बिहेव करो, अपने व्यवहार को ठीक करो, उनको लेके आओ, उनको प्रॉपर तरीके से। तो डांट देती हैं मिसेस फिट्जराल जो हैं, वो शॉक्ड हो जाती हैं ये देख कर कि मिसेस पियर्सन किस तरह से उनके पति और बच्चों के साथ व्यवहार कर रही हैं। जो बाहर से जो लेडी आई हैं, जो असल में मिसेस पियर्सन है, वो ये देख कर हैरान होती हैं कि इसने तो मेरे परिवार वालों का हाल ही बुरा कर दिया, क्योंकि वो तो सॉफ्ट हार्टेड है एक्चुअल में। तो अब जॉर्ज आ जाते हैं, वो स्मोकिंग कर रहे हैं, साइड में बैठ जाते हैं। ये व्यवहार मिसेस पियर्सन को पसंद नहीं है। तो मिसेस पियर्सन कौन है? जो एक्चुअल में फिट्जराल्ड है, जो जिसने सबको सीधे रास्ते पे ला दिया है। तो वो कहती हैं, भाई ये क्या बात है, अपने हस्बैंड जॉर्ज को कहती हैं, ये क्या बात है, तुम इस तरह से इम्पोलाइट तरीके से, अरे बाहर से पड़ोसन आई हैं, ठीक से बात करो, इस तरह से तुम तो ध्यान ही नहीं कुछ तुम्हारा। तो गुस्सा करती हैं और एक तरह से जॉर्ज जो है वो अपमानित महसूस करते हैं और वो कहते हैं कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तो मिसेस पियर्सन धमकी देती हैं कि इस तरह से बात करें ना तो थप्पड़ लगा दूँगी, स्लैप कर दूँगी। तो ये तो एक्सट्रीम हो गया था, झगड़ा इस कदर बढ़ गया था, जॉर्ज जो है वो घबरा जाते हैं, अपमानित महसूस करते हैं और कुछ उनका बस नहीं चलता है। और पत्नी अब कहती हैं उनको चढ़ाते हुए कि तुम बस बहुत हो गया, तुम तो जाओ बस, अपने क्लब जाओ बस, वहीं तुम्हारा निबाह जो है, तुम्हारे लिए वही ठीक है जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तुम्हारे साथी लोग। ये बहुत ज़्यादा हो गया था अब ये एंड में, इतना कुछ देखकर मिसेस फिट्जराल्ड जो कि असल में मिसेस पियर्सन हैं, वो सहन नहीं कर पा रही हो, कहती भाई जल्दी अब ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, ये बस अब मेरे परिवार वालों को बहुत तंग कर लिया तुमने। और दोबारा से वो मैजिक स्पेल जो है वो उसका इस्तेमाल करके दोबारा अब अपनी मिसेस दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती हैं, जैसे वो पहले थी, मतलब इस चेंज से पहले। अब जो है मिसेस फिट्जराल मिसेस फिट्जराल है, पियर्सन पियर्सन है। और जाते जाते जब ये पर्सनालिटी चेंज हुई तो उस दौरान जो फैमिली मेम्बर्स थे वो नहीं देख पा रहे थे उनको, इस तरह से चेंज किया।
और चेंज करने के बाद, पर्सनालिटी चेंज होने के बाद, मिसेस फिटजेरल जाते जाते ये सलाह दे के जाती है मिसेस पियर्सन को कि देखो अब तो मैंने कर दिया, जो ठीक रास्ते पे ले आई हूँ मैं तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स को, लेकिन तुम ज़रा बीच बीच में थोड़ा लगाम कसते रहना, डांटते रहना, सख्त वर्ड्स का जो है ना इस तरह से बीच बीच में, तब ठीक रहेंगे ये, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। और इस तरह से ये फॉर्मूला काम कर गया। और मिसेस पियर्सन कहती हैं कि मैं बस इतना ही तो चाहती हूँ कि वो बस रुक जाएं, कभी कभी मेरा थोड़ा खाने में हाथ बटाएं, सफ़र तैयार करने में, और मेरे साथ रमी खेलने, बस इतना ही तो, और क्या चाहती हूँ मैं। मिसेस फिजराल अब समझा के जाने ही वाली हैं, वो खुश हैं कि मिसेस पियर्सन अपने परिवार को हैंडल करना सीख गई हैं और ये ट्रिक जो है वो काम कर जाती है, और सारे ही फैमिली मेम्बर्स अब जो है सीधे रास्ते पे आ गए हैं और मिसेस पियर्सन का कहा मानने को तैयार हैं और वो खेलने की तैयारी में, रमी खेलने की तैयारी में। तो इस तरह से हैप्पी एंड होता है और मिसेस पियर्सन मिसेस फिटजेरल्ड की हेल्प से अपने अधिकारों की बात करती हैं, असर्ट करती हैं और सीख जाती हैं कि किस तरह से अपने बिगड़े हुए परिवार के सदस्यों से अपना अपना अपने अपने लिए अपने जो ड्यूज़ हैं अपना अपने लिए रिस्पेक्ट अर्न करना है अपने काम के लिए जो वो इतनी मेहनत करती हैं। तो इस कदर बड़े ह्यूमरस तरीके से एक महिला जो घर के कामों में बहुत व्यस्त होती हैं वो किस तरीके से अपने अधिकारों की डिमांड कर सकती हैं, ये इस चैप्टर के माध्यम से हमें जानने को मिलता है। तो दैट वॉज इट इन दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड, एंड इफ दैट इज़ द केस प्रेस द लाइक बटन एंड लीव योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। दैट्स इट, बाय।